खबर मध्य प्रदेश के हंडिया से है, जहां चिकित्सकों की टीम ने छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया, साथ ही दवाइयां भी वितरित की। प्रदेश सरकार के निर्देश अनुसार गुरुवार को पीएमसी स्कूल में छात्र और छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कैंप आयोजित किया गया। बता दें कि हेल्थ कैंप का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस संबंध में हंडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बीएमओ ने बताया कि शासन के निर्देश अनुसार यह हेल्थ कैंप आयोजित किया गया, जिसमें 300 के करीब छात्र छात्राओं की आंखों और शरीर की जांच की गई। आज हम सब लोग जो इकट्ठा हुए हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि आप सभी बच्चों का ठीक से परीक्षण किया जाए, और यदि किसी बच्चे में कोई कमी हमारे सामने आती है तो हम उसका उपचार कर सकें। शारीरिक विकास के शारीरिक परीक्षण के साथ साथ और शारीरिक विकास के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें। इसके साथ में आप लोगों का नेत्र परीक्षण भी किया जाएगा, क्योंकि आप में से कई बच्चों को पता नहीं रहता, यहाँ तक कि बड़े लोगों को भी पता नहीं रहता कि उनकी आँखों में चश्मे की ज़रूरत है, और हम लगातार चलते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि फिर हमें बड़े से बड़े नंबर का ज़्यादा पावर का चश्मा लगता है, तो समय रहते हम अपनी आँखों की भी जांच करवा लें। और आप लोगों की उम्र के बच्चों में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें वास्तव में चश्मे की ज़रूरत भी होगी।